गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, पेज 293। कल हमने ह्यूमन किडनी और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और उसके डिटेल्स जाने, आज हम यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन्स में, और जैसा कि तुम जानते हो कि किडनीज की जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, वो नेफ्रॉन्स होती है। तो नेफ्रॉन ही बेसिकली यूरिन को बनाते हैं। तीन जो स्टेप्स हैं ये इसके फर्स्ट लाइन में ये बताएं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन। ग्लोमेरुलर फॉर्मेशन, सीक्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन। तीन स्टेप है और एक सीक्रेशन जो है वो तीसरे नंबर पे है। ग्लोमेरुलर फॉर्मेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो पहला स्टेप है, वो नाम से ही पता लग रहा है कि वो ग्लोमेरुलस में हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात देखो क्या लिखी है थर्ड लाइन में, कि लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड किडनीज के द्वारा पर मिनट फिल्टर किया जाता है, यानी कि एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट किडनीज के द्वारा। ठीक है, और हमारी बॉडी में लगभग कितना ब्लड होता है, 5 या 6 लीटर के आसपास, तो ये उसका कितना हुआ, 1/5, यानी कि 20% का ये, और 20% ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट से ये पंप होता है। इसके बाद क्या लिखा है, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्री लेयर्स। अगर तुम्हें याद होगा कि एल्वियोलाई में जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, वहां पर भी तीन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है, कुछ उसी तरह का यहां पर भी है। कि सपोज ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल की वॉल है, एंडोथेलियल वॉल, और ये कौन सी कैपिलरी है, वो कैपिलरी जो ग्लोमेरुलस के अंदर आई है। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरी आई है उसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है, और इसके पास भी मौजूद है हमारा बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल के अंदर आकर ये कैपिलरीज का टप हुआ ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो अब यहां पर क्या होगा कि इसको क्रॉस करेगा ये, इसके बाद आएगा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, सबसे पहले एंडोथीलियल वॉल को क्रॉस करेगा नाइट्रोजनस पेस्ट, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और उसके बाद आएंगे वो सेल्स जो कि बने हुए हैं बोमेंस कैप्सूल से। देखो सबसे पहले एंडोथीलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की, ठीक है, इसके बाद एपिथीलियम बोमेंस कैप्सूल की, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उन दोनों के बीच में है। इसी तरह से तीन लेयर्स को यहां पर भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद किस में आ जाते हैं, क्रॉस करने के बाद ये आ जाते हैं बोमेंस कैप्सूल में। अब बोमेंस कैप्सूल फिर उन नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके कहां जाएगा, वो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर। बोमेंस कैप्सूल के जो एपिथीलियल सेल्स हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो है पोडोसाइट्स। तो अगर कोई हमसे पूछे कि पोडोसाइट्स कहां होते हैं, पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं बोमेंस कैप्सूल, सपोज ये बोमेंस कैप्सूल है, इस बोमेंस कैप्सूल की ये वाली जो एपिथीलियम है वो बनी होती है पोडोसाइट, और ये है एफरेंट आर्टेरियल, इसने यहां पर आकर ब्लड वेसल्स का गुच्छा बनाया जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और फिर यहां से निकल गया इफरेंट के द्वारा। सबसे पहले तो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इसकी वॉल को क्रॉस करेंगे, इस कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करेंगे, फिर इसके बाद बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा उसको क्रॉस करेंगे, और फिर इसके बाद पोडोसाइट्स, इन्होंने एपिथीलियम को बनाया है बोमेंस कैप्सूल का, सॉरी ये बोमेंस कैप्सूल की, इसको ये क्रॉस करेंगे। इसके बाद आते हैं अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। तो यहां पर पोडोसाइट्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं कुछ स्लिट्स, उनको कहते हैं स्लिट पोर्स।
इन स्लिट पोर्स के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट इस बोमेन्स कैप्सूल में इकट्ठे होते हैं. ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल. देयरफॉर इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो जो प्रोटीन्स हैं वो तो इन्हीं में रह गए. अब इधर आने वाली चीज है वो किस प्रोसेस से आती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा का सभी कुछ इधर आ गया एक्सेप्ट प्रोटीन. तो अब एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है कि व्हाई इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि उसमें बहुत फाइन तरीके से फिल्ट्रेशन होता है. इसके बाद आते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी या फिर GFR शॉर्ट में लिखा है, वो हमें ये बताता है कि ग्लोमेरुलस पर यूनिट टाइम कितने ब्लड को फिल्टर कर सकता है. क्या लिखा है इन्होंने, एक हेल्दी इंडिविजुअल में फिल्ट्रेशन बनेगा 125 ml एक मिनट में. ठीक है, यानी कि ग्लोमेरुलस 125 ml बनाएगा एक मिनट में. इसका मतलब इससे लगभग कितना आंकड़ा निकल के आता है, वो लगभग 180 लीटर पर डे का आंकड़ा इन्होंने बताया है. और 180 लीटर हम यूरिन पास नहीं कर सकते, और करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए भी नुकसानदेह होगा. तो क्या किया जाता है, ज्यादातर चीजें रीअब्सॉर्ब कर ली जाती है. वही इनका सेकंड अगला स्टेप है. देखो क्या लिखा है, द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. पहली बात तो ये है कि ग्लोमेरुलस कितना फिल्टर करके प्राइमरी फिल्ट्रेट बनाता है, यानी कि ये वाली जो चीज है इसको रेगुलेट करने का भी बॉडी में मैकेनिज्म है. ठीक है, और जब ये सपोज करो इसको रेगुलेट करने का यानी कि इसको घटाने का तरीका बॉडी में है, और जब ये इतना इसने बना दिया, सपोज बना ही दिया, तो उसे रीअब्सॉर्ब करने का तरीका वो सेकेंड स्टेप में होगा. तो पहले देखते हैं रेगुलेशन का क्या तरीका है. सबसे पहले सेकेंड लाइन में देखो, वन सच एफिशियंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेरेटस. जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस क्या होता है, वो एपेरेटस यानी कि लूप ऑफ हैंगलिंग जो कि ग्लोमेरुलस तक पहुंचा है उसे क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस. JGA क्या करता है, JGA बनाता है, JGA रिलीज करता है एक हॉर्मोन जिसका नाम है रेनिन. रेनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस यानी कि JGA के द्वारा. और ये क्या करता है, ये इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है यानी कि ये इसको कम करता है. इसके देखो लास्ट लाइन में लिखा है, अ फॉलन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स टू रिलीज रेनिन which can stimulate the glomerular filtration flow and thereby GFR back to normal. यानी कि ये इसको फिर से ठीक कर सकता है. इसके बाद बात आती है reabsorption की, कि हम एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं जबकि 180 ml प्राइमरी फिल्ट्रेट बनता है. तो 180 लीटर से 1.5 लीटर ही वो रह जाता है, इसका मतलब 99% reabsorb हो जाता है. तो reabsorb करने वाले जो सेल्स हैं वो कौन से हैं, द ट्यूबुलर एपिथीलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाई एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म्स. जैसे कि अब तुम यहां पर देखो फिगर 19.5 में, यहां हमें क्या दिख रहा है कि जहां प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाए वहां पर बॉडी के अंदर आने वाली जो चीजें हैं वो किस एरो से दिखाई गई है, जो एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट आयन, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, H2O न्यूट्रिएंट्स और पोटेशियम, ये सब बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है. इसके अलावा इस येलो कलर की ट्यूब के अंदर जो चीज जा रही है इसका मतलब वो यूरिन के साथ पास आउट होगी. कौन सी, हाइड्रोजन यानी H+ और अमोनिया, ये जा रही है इस पाइप के अंदर. अब इस ट्यूब के जब ये नीचे जाती है यानी कि लूप ऑफ हेनले, इससे बाहर क्या रिलीज हो रहा है, H2O यानी कि वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है. फिर जब ये ऊपर आती है तो इससे क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, इसी तरह से जब ये डिस्टल बन जाती है ट्यूब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, तब कौन सी चीजें इससे रीअब्सॉर्ब होती हैं, सोडियम क्लोराइड, H2O और HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है, और एक्सक्रीट क्या होती है, पोटेशियम और H+. तो इस तरह से रीअब्सॉर्प्शन अलग अलग स्टेजेस पर
नेफ्रॉन के अंदर होता है। देखो रीअब्सॉर्ब होने वाली चीजें कौन कौन सी बताई मैंने, ये जो डायग्राम में है वो तो है ही, इसके अलावा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, पोटेशियम, सॉरी सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली, वेयर एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अब देखो दोनों चीजों में अंतर है, नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिव तरीके से एक्सक्रीट होते हैं, और ये जो फायदेमंद चीजें हैं जैसे एमिनो एसिड और ग्लूकोज, ये एक्टिवली बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है क्योंकि ये इसकी काम की चीजें हैं। साथ में क्या लिखा है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी पैसिवली हो रहा है इनिशियल सेगमेंट्स में, क्योंकि वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है बॉडी के लिए। अब आते हैं यूरिन फॉर्मेशन के समय सिक्रीशन क्या होता है। सिक्रीशन का मतलब है कि एच प्लस आयन, के प्लस आयन और अमोनिया ये यूरिन के अंदर रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें दिख रहा है कि कुछ एरोज इस येलो कलर की ट्यूब के अंदर भी जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये रिलीज हो रहे हैं, इसको सिक्रीशन कहते हैं। और इस सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, आयनिक और एसिड बेस बैलेंस बना रहता है, तो यानी कि पीएच मेंटेन करने में भी, यूरिन का पीएच मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स नेक्स्ट है। ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, कौन कौन सी ट्यूब्यूल्स का फंक्शन देखेंगे। चार ट्यूब्यूल्स मेन है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल यानी रीनल कॉर्पसल के बाद पहली जो ट्यूब बनती है उसका नाम है प्रॉक्सिमल यानी कि पीसीटी। उसके बाद आती है हेनलेज का लूप यानी यू शेप स्ट्रक्चर, उसके बाद डीसीटी यानी डिस्टल, और लास्ट में आती है कलेक्टिंग डक्ट। अब देखते हैं इनकी फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी। तो पीसीटी के बारे में लिखा है, इसमें क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम है, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर यानी कि क्यूबॉइडल शेप के सेल्स जिसमें कि सीनिया प्रेजेंट है, इस तरह के सेल से लाइन होता है और सिंपल भी है। सिंपल का मतलब सारे सेल्स एक ही जैसे हैं। इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन यानी कि इसका पीसीटी का मेन फंक्शन क्या हो गया, रीअब्सॉर्प्शन। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल, जो अभी अभी ग्लोमेरुलस यानी कि बोमेंस कैप्सूल से आया है। तो क्या क्या चीज रीअब्सॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता है, सॉल्ट, इनको ये रीअब्सॉर्ब करता है। पीसीटी हेल्प्स टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनियम, पोटेशियम आयन टू फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव फ्रॉम इट। ये सारी चीजें हमें कहां पता लग रही है, इस डायग्राम से पता लग रही है, डायग्राम 19.5 है ना। तो एक्सक्रीट आउट होने वाली चीजें क्या है, HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट आयन, इसके अलावा पोटेशियम आयन, अमोनिया आयन, ये इसमें क्या होते हैं, ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसके बाद आती है बात हेनलेज लूप की। हेनलेज लूप में तुमने देखा है कि जब ये डिसेंडिंग होता है तब इसमें से रीअब्सॉर्ब होता है वाटर, और जब ये असेंडिंग होता है तब इसमें से रीअब्सॉर्ब होता है सोडियम क्लोराइड। तो H2O एब्सॉर्ब होगा जब ये डिसेंडिंग होगा हेनलेज लूप, और NaCl एब्सॉर्ब होगा जबकि क्या होगा, एसेंडिंग। इसका मतलब जब हेनलेज लूप नीचे आता है उस समय H2O एब्सॉर्ब होता है, तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसेंट्रेटेड, ठीक है। और हेनलेज लूप जब ऊपर की जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तब NaCl एब्सॉर्ब होगा उसमें से, इसका मतलब यूरिन हो जाएगा डाइल्यूट, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है कि क्या चीज एब्सॉर्ब हो रही है और उससे क्या हो जाएगा। रीअब्सॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम, हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड। ऑस्मोलैरिटी मेड्यूलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड की क्या होती है, सपोज करो कि ये हेनलेज लूप है और ये कहां तक आया है, मेड्यूला तक आया हुआ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक नेटवर्क बना हुआ है वासा रेक्टा का। वासा रेक्टा यानी कि जो इफ्रेंट आर्टरीज थी, इफ्रेंट आर्टरीज रीअब्सॉर्प्शन के लिए इसके चारों तरफ लिपटी हुई है।
अभी अभी मैंने कहा ना कि यहाँ से H2O एब्जॉर्ब होगा जब वो डिसेंड करेगा, NaCl एब्जॉर्ब होगा जब ये ऊपर को जाए, तो वो एब्जॉर्ब होके जाएगा कहाँ, वो जाएगा इस ब्लड वेसल्स में, तो इसके चारों तरफ लिपटी है जिसका नाम है वासा रेक्टा। लेकिन इसमें जाने से पहले पहले ये बीच के एक टिश्यू से होके गुजरता है जो मेड्यूला का टिश्यू है। सपोज करो ये है इसका डिसेंडिंग लिम, है ना, यानी कि डिसेंडिंग लिम ऑफ हैनलेस ब्लू, और ये है वो वासा रेक्टा की ब्लड कैपिलरी। तो इसमें से NaCl निकल के इसमें जाएगा, NaCl जा रहे हैं ना इसमें से रिएक्टर होकर, तो इसमें से डिसेंडिंग लिम में से H2O निकल के जाएगा इस ब्लड वेसल में। और दूसरी तरफ अगर हम डायग्राम बनाए एसेंडिंग लिम का, तो एसेंडिंग लिम में से ब्लड वेसल में निकल के क्या जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये मैं समझाना चाहता हूं, लेकिन यहां जाने से पहले बीच में वो एक टिश्यू से होके गुजरता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, उस टिश्यू को कहते हैं इंटरस्टीशियम। इंटरस्टीशियम मेडुला का जो बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे इंटरस्टीशियम कहा जाता है, ठीक है, और वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरस्टीशियल फ्लूइड। देखो क्या लिखा है, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के लिए लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट जो है वो कंसेंट्रेट होता जाता है, यानी कि यूरिन कंसेंट्रेट हो जाता है, ये मैंने बताया था। लेकिन एसेंडिंग लिम्ब के केस में बात बिल्कुल उल्टी है, वहां पर क्या होता है कि वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाता है क्योंकि वहां पर NaCl रीअब्सॉर्ब हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिवली या पैसिवली होता है, ठीक है, ये भी इन्होंने बताया। अब आती है बात डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, यानी कि DCT की, कि DCT क्या करता है। देखो DCT के केस में हमने क्या देखा कि वो कुछ कुछ ऐसे ही था जैसे कि PCT था, उसमें पोटेशियम आयंस जा रहे थे, उसमें H+ आयंस जा रहे थे, ठीक है, और उसमें सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा था। तो क्या क्या हो रहा है इसमें, देखो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम एंड सॉरी सोडियम एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, ये दोनों चीजें यहां पर रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। डीसीटी इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3- नेगेटिव एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड पोटेशियम। तो बाहर क्या जाएगा, पोटेशियम जाएगा, H+ जाएगा, और साथ में यहां पर नाइट्रोजन स्पेस भी जाएंगे, यानी कि अमोनिया भी जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें यहां पर जाएंगी, और इस वजह से सोडियम पोटेशियम बैलेंस जो है वो बना रहता है ब्लड के अंदर। साथ में इसमें रीअब्सॉर्प्शन HCO3 नेगेटिव का भी होगा, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्सॉर्प्शन होगा। इसके बाद आती है बात कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट किसको कहते हैं, ये पेज 295 पर फिगर 19.5 में ये जो लंबी सी ट्यूब है इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट भी कुछ मात्रा में सब्सटेंसेस के सिक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, वो डायग्राम में भी दिखाया कि वो H2O को और यूरिया को रिलीज कर रहा है। चलो देखते हैं क्या करता है। कलेक्टिंग डक्ट, अब आती है बात कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से लेके इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक आता है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ऊपर की वाली जो चीजें हैं इस डायग्राम में वो कहाँ प्रेजेंट होती है। देखो ऊपर वाली जो चीजें हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है, और डीप में कहाँ तक आती हैं, ये मेडुला तक आती हैं। इसका मतलब ये वाली जो ट्यूब है ये भी मेडुला तक प्रेजेंट होगी। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन, वो हमें इस डायग्राम में दिख ही रहा है कि H2O का इस येलो कलर के पाइप से निकल के एरो बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है। वाटर अगर रीअब्सॉर्ब होगा यूरिन में से तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा यूरिन यूरिया कहाँ जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टीशियम में, यानी मेडुला के जो बीच का स्पेस जिसे इंटरस्टीशियम मैंने बताया था वहां ये यूरिया को रिलीज कर रहा है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्ट कंसेंट्रेशन। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। तो H+ और K+ आयंस को भी ये सिक्रीट कर रहा है। सिक्रीट करने का मतलब ये है कि यूरिन के अंदर पास आउट करता है।
ठीक है, एच प्लस और के प्लस को तो हम पहले भी देख रहे थे कि वो यूरिन के अंदर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फिल्ट्रेट जो है, मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट ये क्या है, ठीक है, इसको और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को ये हम करेंगे कल।